सीट शेयर करने वाला हूँ। मैं आप लोगों के सामने पहले सारे सीट्स निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। दोस्तों जो सीट आप मेरे सामने देख पा रहे हैं सारे ही हमने खुद ने हार्वेस्ट किए हैं अपने ही फ्लावर से। ये ब्रोकली के सीट्स हैं और ये हमने हार्वेस्ट किए हैं। ये डहलिया है, इसके सीड्स भी हार्वेस्ट किए हैं। ये चाइनीज़ कैबेज है दोस्तों, इसके सीड्स भी हमने हार्वेस्ट किए हैं। ये कैलेंडुला है, मिक्स कैलेंडुला, इसके सीड्स भी हमने हार्वेस्ट किए हैं। साथ में दोस्तों ये जेरेनियम है, जेरेनियम के सीड्स भी हमने हार्वेस्ट किए हैं। और ये सीड्स है दोस्तों पिटोनिया के, ये सभी हमने हार्वेस्ट किए हैं अपने खुद के प्लांट से। तो अगर आप देखना चाहते हैं कैसे हार्वेस्ट किए जाते हैं सीड्स को, तो वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्रदेव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं प्रतिगण गार्डनिंग। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। ये फलियां तोड़ देते हैं पहले। ये फलियां मैंने निकाल दी है और अब इनमें से इसमें कोई भी फली दिख नहीं रही है, तो हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है इसे। अब इसमें से सीड्स निकालेंगे। आपको करना क्या है दोस्तों, बस इसको इस तरह से उठाना है, हाथ में पकड़ना है और अच्छे से इसे इस प्रकार क्रश कर देना है और आपके सीड्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप झटक के इसे साफ़ कर लीजिए। दोस्तों ये सीड साफ़ हो गए हैं हमारे अच्छे से, अब इन्हें हम कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा कचरा रह गया है, कोई दिक्कत नहीं पड़ता उससे, लमसम पूरी तरह साफ़ हो चुके हैं, तो इसे अब हम इस पॉलीथीन में कलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ हमारे ब्रोकली के सीड इकट्ठे हो गए हैं। इसी प्रकार मेरे पास कुछ और भी सीड्स कलेक्ट करने के लिए रखे हुए थे मैंने। ये हमारा चाइनीज़ कैबेज है दोस्तों, चाइनीज़ कैबेज के सीड्स इकट्ठे करने वाले हैं अब हम, और वो भी सेम तरीके से इकट्ठे करेंगे। सबसे पहले फलियां इसके अंदर निकाल लेंगे, उसके बाद डस्ट उन फलियों में से जो भी वेस्टेज है सारा अलग कर देंगे। ये फलियां हैं दोस्तों चाइनीज़ कैबेज की, इनके सीड्स भी दिखा देता हूं आपको मैं। ये देखिए दोस्तों, ये चाइनीज़ कैबेज के सीड्स हैं। ये देखिए चाइनीज़ कैबेज है, ये भी मैंने सीड्स इकट्ठे कर लिए हैं। दोस्तों आज पिटोनिया के सीड्स कलेक्ट करने वाले हम, और देखते हैं सीड्स पॉट कुछ दिख जाए हमें। तो यहाँ पर एक सीड पॉट दिख रहा है दोस्तों मुझे, लेकिन अभी ये कच्चा है दोस्तों, पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं हुआ है। थोड़ा सा इसे दो दिन एक दिन और ये पक जाएगा, उसके बाद ये हार्वेस्ट के लिए लायक हो जाएगा। मैं कुछ और ढूंढता हूँ जो पूरी तरह से पक चुका हो और हार्वेस्ट करने लायक हो। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे पास काफ़ी पिटोनिया है, तो उसमें देखते हैं। ये हमारा हैंगिंग बास्केट है, जो पिटोनिया लग रहे हैं, अब सूखने भी लगे हैं काफ़ी। दोस्तों ये सीड पॉट दिख रहा है मुझे, देखिए ये शायद ये काफ़ी मैच्योर्ड सीड पॉट है और फट भी गया है ये, मतलब इसमें से सीड निकलना शुरू हो चुके हैं। तो इसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए इस तरह से के, और ये हमारा सीड पॉट है, इसके अंदर हमारे सीड्स हैं पिटोनिया के, और इससे हल्के हल्के से क्रश कर दीजिए। ये दोस्तों जो दाने आप देख पा रहे हैं ये सभी सीड्स हैं, पिटोनिया के सीड्स काफ़ी छोटे होते हैं। इसी प्रकार आप अपने घर में अगर पिटोनिया लगा चुके हैं और सीड्स पॉट बन रहे हैं, तो आप वहाँ से सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। इजी मेथड है काफ़ी, ताकि नेक्स्ट सीज़न में आपको सीड्स परचेस करने के लिए वेट नहीं करना पड़े। ये देखिए दोस्तों ये सारे सीड्स से, ये जो सीड पॉट है ये अभी कच्चा है, इसमें से अभी कच्चे सीड्स होंगे जो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो आपको हमेशा मैच्योर्ड सीड पॉट ही लेना है। ये भी देखिए ये यहाँ पर भी बन रहा है एक, और ये भी कच्चा सीड पॉट है, अब ये मैच्योर्ड नहीं हुआ है, तो इस टाइप के सीड पॉट नहीं लेना है आपको, है ना। ये हमारा जेरेनियम का प्लांट है, ये देखिए, और इसी के सीड्स कलेक्ट करने वाले हैं। ये देखिए ये सीड्स हैं इसके, सभी सीड्स को कलेक्ट करने वाला हूँ मैं आज।
ये इस टाइप की फलियां हैं दोस्तों, इन फलियों में लगते हैं ये सीड्स। जैसे ये फली तोड़ी हमने और ये देखिए।